गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। व्यक्तियों को बहकावे में लेकर एवं उन्हें डरा धमकाकर उनके जमीन की चौहद्दी बदलकर फर्जी तरीके से कूट रचे दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीद फरोख्त करने वाले चार अपराधी शमसाद आलम उर्फ छोटे कमरे आलम उर्फ झिन्नू शमसुद्दीन उर्फ बद्रे आलम उर्फ बल्लू के ऊपर तिवारीपुर थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। SPCD ने दी जानकारी। गोरखपुर सहित प्रदेश भर में चल रही GST के छापेमारी पर प्रदेश सरकार ने 72 घंटे के लिए लगाया रोक। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष और व्यापारियों ने सरकार को दिया धन्यवाद। कहा, 72 घंटे का समय मिलने से व्यापारी कागज को कर लेंगे सही। दिल्ली से शादी समारोह में सम्मिलित होने आए आवेदिका के गायब हुए ट्रॉली बैग व उसमें रखा गहना व कपड़े को गोरखनाथ पुलिस द्वारा ऑपरेशन ट्रिनेट की मदद से सकुशल किया गया बरामद। SPCT की मौजूदगी में आवेदिका के परिजनों को बैग को किया गया सुपुर्द। परिजनों ने गोरखपुर पुलिस को दिया धन्यवाद। नागरिक सुरक्षा कोर के 60वें स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम का रूट मार्च एवं वार्डन सम्मान समारोह के साथ हुआ समापन। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का रहा है प्रशंसनीय योगदान। ऐसे वॉलंटरी फोर्स की प्रशासन को रहती है नितांत आवश्यकता। सराफा मंडल के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल हुआ संपन्न। गणेश वर्मा अध्यक्ष, संतोष वर्मा उपाध्यक्ष, संजय वर्मा महामंत्री, हरिद्वार वर्मा मंत्री, वीरेंद्र बनवाल मंत्री, गोपाल वर्मा मीडिया प्रभारी सहित नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। सराफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने कहा, संगठन के सभी दायित्वों का किया जाएगा निर्वहन। ऑपरेशन ट्रिनेट अभियान के तहत SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में जनपद के BPO की कार्यशाला का किया गया आयोजन। CCTV कैमरों के रेट की दी गई विस्तृत जानकारी। SSP ने कहा, इस कार्यशाला के बाद पूरा जनपद CCTV कैमरा से होगा लैस, अपराध पर लगेगा पूरी तरह से विराम। खुद बेटियां ही करेंगी अब बेटियों की सुरक्षा। राजकीय इंटर कॉलेजों में हर क्लास की एक बेटी को चुना जाएगा पावर रेंजर। पूरे क्लास की लड़कियों की समस्याओं को जानकर करवाएंगी उनका समाधान। AD राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के गृह विज्ञान की प्रवक्ता प्रज्ञा सिंह ने दी जानकारी। सात सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन व मातृ शिशु कल्याण महिला संघ ने CMO कार्यालय के समक्ष किया एक दिवसीय सामूहिक उपवास। कहा, मांगे न माने जाने पर आगामी 16 जनवरी को लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री का करेंगे घेराव। और शाहरुख खान ने बनाया नया कीर्तिमान। 1500 मीटर दौड़ को मात्र 4 मिनट में किया पूरा। 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन गोला फेंक में 19.96 मीटर गोला फेंककर आशुतोष दुबे ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। प्रतियोगिता के संयोजक जफर अहमद खान ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। तिवारीपुर थाने की पुलिस ने व्यक्तियों को बहकावे में लेकर व डरा धमकाकर उनके जमीन की चौहद्दी बदलकर फर्जी तरीके से कूट रचे दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीद फरोख्त करने वाले चार अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिसके संबंध में SPCT कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि तिवारीपुर थाने की पुलिस ने चार अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है, जिनकी पहचान शमशाद आलम उर्फ छोटे पुत्र स्वर्गीय बकाउल्लाह निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा कमरे आलम उर्फ झिन्नू पुत्र स्वर्गीय बकाउल्लाह निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर, तीसरा शमसुद्दीन पुत्र स्वर्गीय सलीम खान निवासी सिंधारीपुर थाना तिवारीपुर गोरखपुर, चौथे बद्रे आलम उर्फ बल्लू पुत्र स्वर्गीय बकाउल्लाह निवासी बहरामपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SPCT ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु व्यक्तियों को बहकावे में लेकर एवं उन्हें डरा धमकाकर उनके जमीन की चौहद्दी बदलकर फर्जी तरीके
तरीके से कूटरची दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीद फरोख्त करने के अभ्यस्तरत अपराधी हैं, जिनका समाज में भय व्याप्त है। इस गैंग के सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में भू माफियाओं, मेडिकल माफियाओं, विभिन्न प्रकार के माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर की एक मुहिम जारी है। उसी मुहिम के अनुक्रम में आज थाना तिवारीपुर पर एक भू माफिया की एक ऐसी गैंग जो कि दूसरे लोगों की जमीनों के फर्जी कूटोचित कागजात बनाकर उस पर उच्चाधिकारियों के साइन करवा के उनका फर्जी दाखिल खारिज करवाना एवं उसके साथ साथ दूसरों की ज़मीन को हड़पना, उस पर कब्जे करवाना एवं लोगों को पैसे लेके पैसे न लौटाना और मनबढ़ई करना उन ज़मीनों पर, इस तरीके की एक गैंग जिसके चार सदस्य जिसमें शमशाद आलम और छोटे कमरे आलम और झिन्नू शमसुद्दीन और बद्रे आलम, इन चार लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है और इन चारों अभियुक्तों को जल्दी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी संपत्ति जब्त कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू। प्रदेश में व्यापारियों पर चल रही जीएसटी के छापेमारी पर सरकार ने 72 घंटे की रोक लगा दी है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में जीएसटी के अधिकारियों द्वारा लगातार व्यापारियों के दुकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिससे कि पूरे प्रदेश भर के व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया था, जिसको देखते हुए गोरखपुर जनपद की दुकानें 3 दिनों से बंद नजर आई। लेकिन रविवार को व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को बताया, जिसके बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि छापेमारी की कार्रवाई को 72 घंटे के लिए रोक दी जा रही है, जिसके बाद सभी व्यापारियों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। जिसके संबंध में दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे ने बताया कि यह सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। अचानक छापेमारी से व्यापारी थोड़े से डर गए थे, लेकिन भयभीत होने की कोई बात नहीं थी। यह इंटेलिजेंस बेस की जांच थी, जिसकी सूचना शासन से जीएसटी के अधिकारियों को मिली थी। 4 महीने पहले अधिकारियों ने कैंप लगाया था और सभी व्यापारियों से निवेदन किया था कि वह अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और समय समय पर टैक्स भरते रहें, और जिनका टैक्स नहीं जमा हुआ है वह अपना टैक्स जमा कर दें। 40 लाख के नीचे तक का व्यापार करने पर किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया गया है। पहले व्यापारियों ने समाधान योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन उसके बाद कोई टैक्स नहीं भरा गया। इसमें कुछ बड़े व्यापारी भी हैं, जिसकी वजह से यह दिक्कत आई। सरकार ने भी अच्छा प्रयास किया है और व्यापारियों को 3 दिन का अपना हिसाब किताब सही करने का समय दिया है। वहीं इस संबंध में बलदेव प्लाजा के व्यापारियों ने कहा कि यह सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। अब दुकानदारों को भी चाहिए कि वह दुकान को खोले और दुकान बंद करके ना भागे और अपने पेपर को सही कर ले। यदि कोई अधिकारी आता है तो अपने हिसाब किताब को दिखाएं, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। यदि किसी तरह की दिक्कत होगी तो व्यापार मंडल और सरकार हर तरह से मदद के लिए तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, मोबाइल व्यापारी संजय जायसवाल, मनीष नागलिया, मिक्की और ग्राहक शिवम पांडे ने कहा, संजय जायसवाल। ये तो सरकार का बड़ा सराहनीय कदम रहा, ताकि कुछ व्यापारी जिनका कागज़ पत्तर स्टॉक मेंटेन वगैरह नहीं था, वो कम से कम 72 घंटे की छूट मिले, इसमें सही कर लें और सही करके अपनी दुकानें खोलें। और बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है कि पूरे प्रदेश में जो है इस तरह का रोक लगा दिया गया 72 घंटे का, और इससे ये व्यापारी बहुत स्वागत कर रहा है इस सराहनीय कार्य का। सरकार ने यह भी कहा कि अपने
हाँ नहीं ठीक है, जैसे क्या होता है कि अचानक छापेमारी से अपना दुकानदार बिल नहीं प्रस्तुत कर पाता है, अपना स्टॉक नहीं सही कर पाता है, तो कम से कम 72 घंटे के जो दरमियान जो छूट मिली है इसमें अपने सारे कागज़ पत्र सही कर लेगा और अगले 72 घंटे के बाद वो पूरी तैयारी के साथ बैठेगा और छापेमारी का डटकर मुकाबला करेगा और अपनी दुकानदारी करेगा। मनीष नांगलिया। 72 घंटे नहीं नहीं सरकार का ये बहुत ही सराहनीय काम है और अब दुकानदारों को भी चाहिए कि दुकान बंद करके भागने से कोई मतलब नहीं है, अपना पेपर वगैरह सही स्टॉक सही कर लें और दुकान निडर होके खोलें। कोई भी अधिकारी आता है तो अपना पेपर दिखावें उसको, बाकी कोई दिक्कत होगी तो व्यापार मंडल बाकी सब लोग हैं, लेकिन आप पहले अपना सारा पेपर स्टॉक सब कुछ मेंटेन रखें। जब चोर नहीं है तो डर किस चार्ज का है आपको? सरकार ने भी कहा कि अपने पेपर को नहीं उन लोग का ये कदम तो 72 घंटे वाला बहुत सराहनीय रहा कि लोगों को समय मिल जाएगा और अपना पेपर वगैरह सब सही कर लेंगे। नहीं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, रूमर है कि यहाँ वहाँ ऐसा कुछ है नहीं। मिक्की। हमारे जो प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही संपूर्ण बहुत ही अच्छा लिया है और लोगों को जो भी चीज़ कागज़ वागज़ सही करना है सारी चीज़ें करना है वो तत्कालीन से सही कर लेंगे और जो भी अधिकारी जो दोबारा उनके पास आएंगे उनके पूर्ण रूप से उनके पास सारे कागज़ होंगे जो उनको सारी चीज़ें दिखा पाएंगे और किसी भी प्रकार से डरने की ज़रूरत नहीं है। माननीय योगी जी इस चीज़ के लिए समर्थन भी किए हैं कि हमारे जो गोरखपुर के जितने दुकानदार हैं वो इस चीज़ों को कागज़ सही करके उनको जो भी अधिकारी हैं उनको दिखा दें, बाकी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम पांडे है। सरकार ने 72 घंटे के लिए छापेमारी पर रोक लगा दी, कैसा देख पाएंगे? सर ये रोक जो लगा है तो बहुत ही बेहतरीन है, लोगों की रिलीफ के लिए लगा है, बड़ा अच्छा हो गया कि लोग अपना अपना कागज़ जो है वो सही करवा लें और आर लोग जो और ग्राहक जो हो उनको परेशानी ना हो। हम लोग 3 दिन से ऐसे परेशान हो रहे हैं, कोई सामान लेने आ रहा है नहीं हो पा रहा है, तो ये अगर राहत जो टाइम मिला है इस पीरियड में अपना सारा कागज़ ओके करवा लें, बाकी चीज़ें फ्यूचर में इस तरह से असुविधाएँ ना हो और लोगों को इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। योगेंद्र नाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। ये अच्छा कदम है क्योंकि व्यापारी थोड़े से भयभीत हो गए थे, जबकि भयभीत होने वाली कोई बात नहीं थी, इंटेलिजेंस बेस्ड ये जांच थी, जिसकी सूचना थी ऊपर से सूचना थी उसी की ये जांच हुई है। 4 महीने पहले अधिकारी कैंप भी लगाए थे और अधिकारियों ने निवेदन भी किया था कि मैक्सिमम लोग रजिस्ट्रेशन करा लें जिनका नहीं हुआ है और जिनका टैक्स नहीं जमा है वो टैक्स जमा करें। क्या हुआ है कि कुछ लोग जैसे 40 लाख के नीचे तो कोई परेशानी नहीं है, 40 लाख के ऊपर समाधान योजना में आते हैं, 1% उनको देना पड़ता है। उन लोगों ने उस समय तो जब GST आई तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन आज 2 साल हो गए कभी उन्होंने कुछ टैक्स दिया ही नहीं, टैक्स वसूला तो लेकिन दिया नहीं। कुछ लोग बड़े पैमाने पर काम किए, 1-2 लोग, उन लोगों का भी वैसे टैक्स नहीं जमा हुआ है। तो व्यापारी भयभीत ना हो और जो सरकार का टैक्स है वो टैक्स हम वसूल रहे हैं तो दें। अगर एक भी हमको अभी तक सूचना नहीं मिली कि किसी के यहाँ छापेमारी हुई हो और वो अनलगल छापेमारी हुई हो, किसी के यहाँ छापेमारी हुई हो उसके साथ जबरदस्ती हुई हो, जोर जबरदस्ती हुई है, अगर कोई हुआ है हमको बताए, अन्य व्यापारिक संगठनों को बताए, चूंकि अधिकारियों से बात कर रहे हैं वो भी बोल रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड जाँच है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम व्यापारियों के मुखिया हैं, सदैव हम व्यापारियों के साथ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी महाराज, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि व्यापारियों की कोई दिक्कत हो, वो सदैव हम लोगों के सुख दुख में खड़े रहे हैं। उनसे भी वार्ता हुई, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने टैक्स लिया है टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं या जिन लोगों की सेल है और वो पंजीकरण नहीं करा रहे हैं उनके लिए यह जाँच है, बल्कि उन्होंने जाँच का पंजीकरण का लाभ भी बताया कि अगर आप पंजीकरण मात्र करा लेते हैं तो पंजीकरण कराने से अगर आपको कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार को 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा और वो भी 1 महीने के अंदर मिलेगा। यह स्वच्छ सरकार है। तो मैं सभी व्यापारियों से अपील करना चाहूँगा, कतई कोई दुकान न बंद करें, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लें, यदि किसी को कोई परेशानी होती है वो मुझे कॉल करें, अन्य व्यापारिक संगठनों को कॉल करें, किसी का कोई भी उत्पीड़न इस सरकार में नहीं होगा। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने दिल्ली से शादी समारोह में सम्मिलित होने आए आवेदिका के गायब हुए ट्रॉली बैग को ऑपरेशन ट्रिनेटर के तहत सकुशल बरामद किया, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 9 दिसंबर को आवेदिका दिल्ली निवासी सोनिया द्वारा थाना गोरखनाथ पर लिखित सूचना दिया गया कि वह दिल्ली से परिवार सहित विवाह समारोह में सम्मिलित होने हेतु गोरखपुर आई थी,
लोटस वैली रिजॉर्ट से ऑटो रिक्शा में बैठकर लेबर तिराहा थाना क्षेत्र गोरखनाथ में उतरी, जिनका लाल रंग का वीआईपी कंपनी का ट्रॉली बैग जिसमें कपड़े व गहने थे गुम हो गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर तत्काल गुमशुदगी को दर्ज किया गया। आवेदिका के बैग बरामद करने हेतु दो टीमें गठित कर लगाई गई। उक्त टीमों द्वारा नकहा ओवरब्रिज से लेबर तिराहे तक रास्ते में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया, परंतु उक्त ऑटो रिक्शा का नंबर स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद ऑपरेशन त्रिनेत्र के यूनुस खान की मदद से उक्त ऑटो जिसमें आवेदिका का बैग छूटा था उसका नंबर प्राप्त किया गया। ऑटो का नंबर प्राप्त होने पर टीम द्वारा उसके मालिक का पता लगाया गया एवं आवेदिका का बैग बरामद किया गया, जिसमें करीब 1,00,000 के गहने व शादी समारोह में शामिल होने हेतु लाए गए महंगे कपड़े बरामद कर संपूर्ण सामान सहित आवेदिका का बैग उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया, जिसके बाद आवेदिका के परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। बरामद करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाथ थाना प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह, उपनिरीक्षक अवधेश चंद्र मिश्र, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार यादव, कांस्टेबल राणा प्रताप सिंह, धर्मेंद्र कुमार, यूनुस खान शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आवेदिका के परिजन विंध्य राज सिंह एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, राजकुमार लेकर सामान बना हुआ आ जाओ, मुझे नहीं थी, उम्मीद खत्म कर चुके थे सर। नहीं नहीं सर, नहीं केस तो वर्कआउट ही बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ये इनके लिए मोटिवेशन है। चलिए चलिए, जहाँ कहीं भी समाज में अच्छा ही दिखे तो इसकी पुलिस के बारे में दो सब जरूरत से बोलिएगा, ठीक है। विंद्रा सिंह, किस तरह से कहाँ पर गायब हुआ? जी सर, ये गायब हुआ था हमारा लेबर तिराहा गोरखनाथ में मंदिर के सामने। मैं विंद्रा सिंह दिल्ली से आया था, शादी अटेंड करने आया था, और तो जी कितने का सामान रहा था? 1,50,000 वर्थ का सामान था हमारे पास, गोल्ड ज्वेलरी थी, कपड़े थे जी। पुलिस को इत्तला की हमने थाने में जाकर, गोरखनाथ थाने में, तो सर के माध्यम से त्रिनेत कैमरे के द्वारा जैसे तैसे ने बहुत अथक मेहनत करके, एक हमारे मिश्रा जी हैं उन्होंने बहुत अथक मेहनत की और जा करके क्विक जो है मतलब इन्होंने बरामद किया हमें टाइम से, बहुत बहुत क्विक टाइम ने दिया उन्होंने, इतना मुझे उम्मीद नहीं थी और मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था शायद मेरा सामान मिले, क्योंकि एक बार पुलिस चोर से साथ गया सामान बहुत कमी वापस मिल पाता है। गोरखपुर पुलिस के लिए मैं बहुत सराहना करूँगा कि इतनी क्विक बिजी लाइफ में इतने क्विक मतलब डिसीजन लेकर के और धर दबोचा अपराधी को, मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जितनी उन्होंने किया, बहुत अथक मेहनत करके किया इन्होंने। जनपद गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र को लगातार उसके माध्यम से कई प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है, उसी अनुक्रम में आज थाना गोरखनाथ को एक अच्छी सफलता मिली, जिसमें इंस्पेक्टर महोदय के पास एक तहरीर आई जिसमें बताया गया कि 9 तारीख की शाम को सोनियावार दिल्ली के निवासी व्यक्ति अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में आए थे, उस शादी में आए जिस बैग को ऑटो में भूल गए और उस बैग में 1,00,000 रुपए से ज़्यादा की ज्वेलरी, महंगे कपड़े एवं वह बैग ऑटो में ही भूल गए और उसके बाद में फिर वो ऑटो वाला उसको लेके फरार हो गया। इस तहरीर मिलने के बाद में चौकी प्रभारी धर्मशाला एवं इंस्पेक्टर साहब की टीम ने इसमें लग के कुछ कैमरे आइडेंटिफाई किए, उससे कई ऑटो शॉर्टलिस्ट हुए लेकिन वो उसको उस बेसिस पे वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद में फिर उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे कैमरों को भी आइडेंटिफाई किया, उन कैमरों के आधार पर एवं ITMS की मदद से क्लियर कट 3 ऑटोज आइडेंटिफाई हुए। उनमें से फिर वादी से दोबारा बातचीत की तो पता चला कि एक ऑटो की यूनिक से उसमें जाली लगी थी, उसके बेसिस पे उसको फिर आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद उस ऑटो के मालिक से फिर जिसको सब लीज किया गया था और उसको फाइनली जो ड्राइवर उसको चला रहा था उसको फिर पकड़ के उससे सारा का सारा 100% रिकवरी की गई है एवं ऑटो को चालक को हिरासत में लिया गया, ऑटो को भी बरामद कर लिया गया है।
थैंक यू। नागरिक सुरक्षा कोर के 60वें स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम का समापन सोमवार को MSI इंटर कॉलेज में रूट मार्च एवं वार्डन सम्मान समारोह के साथ संपन्न हुआ तथा इस रूट मार्च के मुख्य अतिथि SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह एवं चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाची ने हरी झंडी दिखाकर रूट मार्च को रवाना किया। रूट मार्च में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का दस्ता, होमगार्ड दस्ता, PSC दस्ता, पुलिस, PSC व प्राइवेट बैंड, NCC कैडेट, पूर्वोत्तर रेलवे नागरिक सुरक्षा सदस्य, अग्निशमन दल का दस्ता शामिल था। यह रूट मार्च MSI इंटर कॉलेज से निकलकर बख्शीपुर, नखास, घोष कंपनी, टाउन हॉल, अग्रसेन, तिराहा होते हुए कॉलेज में वापस पहुंचा, जहां पर वार्डन सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, SSP गौरव ग्रोवर तथा CDO संजय कुमार मीना को नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन द्वारा बुके एवं मोमेंटो देकर स्वागत किया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का बड़ा ही प्रशंसनीय योगदान रहा है। ये सभी एक ऐसी वॉलंटरी फोर्स है जिनकी प्रशासन को नितांत आवश्यकता है। वार्डनों की सामुदायिक सहभागिता एवं व्यवहार परिवर्तन में अग्रणी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी धार्मिक एवं प्रशासनिक चुनौतियों में प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते रहे हैं। जहां पर वार्डन आत्मसंतुष्टि की चाहत में तन, मन एवं धन से कार्य करते हैं, उन्होंने कहा कि निस्वार्थ सेवा में रत वार्डन जहां भी मिलते हैं ऊर्जावान होकर दिखाई पड़ते हैं। इस अवसर पर उद्योगपति ओम प्रकाश जलान, डिविजनल वार्डन राजेश चंद्र चौधरी, अखिलेश ओझा, नैयर आलम सिद्दीकी, रेकी ऑफिसर डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह स्टाफ ऑफिसर, मनोवर सुल्ताना सहायक उपनियंत्रक, वेद प्रकाश यादव डिप्टी चीफ वार्डन, डॉक्टर शरद श्रीवास्तव, सुरेश कुमार डिविजनल वार्डन कोतवाली, विकास जालान, राजेश चौधरी, अखिलेश ओझा डिप्टी डिविजनल वार्डन, डॉक्टर उमेश चंद्र श्रीवास्तव, मुर्तजा आलम, ध्यान प्रकाश तिवारी स्टाफ अफसर, जितेंद्र देव उपाध्याय, डॉक्टर विजय श्रीवास्तव, योगेश वल्लभ चौकियाल, शेष नारायण मिश्रा, कुमार आदर्श आनंद, कार्यालय स्टाफ अनूप सिंह, नित्यानंद दुबे, वेद प्रकाश मौर्य, कृष्णकांत, मनोज गुप्ता सहित प्रखंड कोतवाली, गोरखनाथ व सिविल लाइंस समस्त स्टाफ अफसर, ICO, पोस्ट वार्डन, डिप्टी पोस्ट वार्डन, सेक्टर वार्डन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी एवं जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा। तमाम कर्मचारी और अधिकारी वहां पर उपस्थित है। विगत वर्ष में हमारे नागरिक सुरक्षा ने सभी त्योहारों में, चाहे दुर्गा विसर्जन हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, गणेश पूजा, हनुमान जयंती, इन सब में हमारे वार्डन्स ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा दिया और आम जनता की मदद में जो मास्टर वार्डन्स हैं जिनको पूरा जानकारी है उन्होंने और हमारे और बहुत सारी जगहों पे आपदा, फायर और अन्य चीज़ों पर हमारे स्वागत किया। हमारे डिप्टी कंट्रोलर साहब ने मोमेंटो देकर हम सब की तरफ से हमारे नागरिक सुरक्षा कोर की अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हुआ फिर इसी प्रांगण में वापस आया है। बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ हमारा दूसरा जो इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अखिलेश कुमार नियंत्रक प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने के लिए मंच तक आए कोतवाली प्रखंड श्री रितेश ICO घटना नियंत्रण अधिकारी गोरखनाथ प्रखंड आप तैयार रहेंगे। पोस्ट वार्डन आरक्षित गोरखनाथ प्रखंड श्री शेष नारायण मिश्र जी, श्री कुमारी शालिनी वर्मा, कुमारी
जोरदार क्लैपिंग श्री सुरेश कुमार के नामों की घोषणा हुई और माननीय समिति पुरस्कार के लिए मुख्य अतिथि महोदय से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें जाता है तो मंचासी रहेंगे कोतवाली डिवीजन। जोरदार तालियां होती है में सिविल लाइन डिवीजन का सक्रिय सहयोग होते हुए सारे डिवीजनों ने सहयोग सभी लोग एक साथ आ जाएं अपना ये प्रमाण पत्र प्राप्त करें। तो श्री विशाल सिंह जी को कि सहायक निरीक्षक श्री वेद प्रकाश यादव जी, डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव, श्री नैयर आलम साहब, इस दरवाजे में कृपया आप आए। हमारे कनिष्ठ सहायक कार्यालय से हैं, इस बार उन्हें भी महानिदेशक का ये सम्मान पत्र मिला है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि जल्द से आप स्टेज पे आए। मुनव्वर सुल्ताना जी, जो डिप्टवाल जी, जो हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं, हमारे समस्त अच्छा करने की प्रेरणा देता है। नारी की सुरक्षा और की इसी तरह की अपनी भूमिका का प्रभावी निर्माण करता है। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे नागरिक सुरक्षा का यह 60वां स्थापना दिवस है, उसमें हम लोगों का हर साल वर्ष के बाद ही रूट मार्च होगा और रूट मार्च के उपरांत 12 बजे हमारे जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय आएंगे, जो कि इस वर्ष में जिन वार्डन्स ने अच्छा कार्य किया है, जिन डिविजन्स ने अच्छा कार्य किया है, जिस फील्ड में अच्छा कार्य किया है, उस फील्ड से संबंधित पुरस्कार सबको वितरित किए जाएंगे। पुरस्कार करीब 300 वार्डन्स को इस बार पुरस्कृत होंगे। आज सिविल डिफेंस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, ये एनुअल वीक है, तो इसी में जिन लोगों ने साल भर में अच्छे काम किए सबको सम्मानित किया। इनफैक्ट सिविल डिफेंस के सभी लोग यहाँ अच्छे काम करते हैं और हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर या त्यौहार हो जो हेल्थ रिलेटेड। आज बेसिकली ये प्रोग्राम आयोजन इसलिए किया गया है, जो काम कर रहे हैं उनका उत्साह वर्धन किया और आगे भी ये लोग इसी तरह सहयोग कर रहे हैं। स्कीम्स है हम लोग सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए, अगर स्थिति आती है इनकी मदद ले सकते हैं। धन्यवाद। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। व्यक्तियों को बहकावे में लेकर एवं उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीन की जोहदी बदलकर फर्जी तरीके से कूट रचे दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीद फरोख्त करने वाले चार अपराधी शमसाद आलम उर्फ छोटे कमरे आलम उर्फ झिन्नो शमसुद्दीन उर्फ बद्रे आलम उर्फ बल्लू के ऊपर तिवारीपुर थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। एसपी सिटी ने दी जानकारी। गोरखपुर सहित प्रदेश भर में चल रही जीएसटी के छापेमारी पर प्रदेश सरकार ने 72 घंटे के लिए लगाया रोक। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष और व्यापारियों ने सरकार को दिया धन्यवाद, कहा 72 घंटे का समय मिलने से व्यापारी कागज को कर लेंगे सही। दिल्ली से शादी समारोह में सम्मिलित होने आई आवेदिका के गायब हुए ट्रॉली बैग व उसमें रखा गहना व कपड़े को गोरखनाथ पुलिस द्वारा ऑपरेशन ट्रिनेट की मदद से सकुशल किया गया बरामद। एसपी सिटी की मौजूदगी में आवेदिका के परिजनों को बैग को किया गया सुपुर्द। परिजनों ने गोरखपुर पुलिस को दिया धन्यवाद। नागरिक सुरक्षा कोर के 60वें स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम का रूट मार्च एवं वार्डन सम्मान समारोह के साथ हुआ समापन। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का रहा है प्रशंसनीय योगदान, ऐसे वॉलंटरी फोर्स की प्रशासन को रहती है नितांत आवश्यकता।
सराफा मंडल के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह साकुशल हुआ संपन्न। गणेश वर्मा अध्यक्ष, संतोष वर्मा उपाध्यक्ष, संजय वर्मा महामंत्री, हरिद्वार वर्मा मंत्री, वीरेंद्र बनवाल मंत्री, गोपाल वर्मा मीडिया प्रभारी सहित नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। सराफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने कहा, संगठन के सभी दायित्वों का किया जाएगा निर्वहन। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में जनपद के बीपीओ की कार्यशाला का किया गया आयोजन। सीसीटीवी कैमरों के रेट की दी गई विस्तृत जानकारी। एसएसपी ने कहा, इस कार्यशाला के बाद पूरा जनपद सीसीटीवी कैमरा से होगा लैस, अपराध पर लगेगा पूरी तरह से विराम। खुद बेटियां ही करेंगी अब बेटियों की सुरक्षा। राजकीय इंटर कॉलेजों में हर क्लास की एक बेटी को चुना जाएगा पावर रेंजर। पूरे क्लास की लड़कियों की समस्याओं को जानकर करवाएंगी उनका समाधान। एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के गृह विज्ञान की प्रवक्ता प्रज्ञा सिंह ने दी जानकारी। सात सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन व मातृ शिशु कल्याण महिला संघ ने सीएमओ कार्यालय के समक्ष किया एक दिवसीय सामूहिक उपवास। कहा, मांगे ना माने जाने पर आगामी 16 जनवरी को लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री का करेंगे घेराव। और शाहरुख खान ने बनाया नया कीर्तिमान। 1500 मीटर दौड़ को मात्र 4 मिनट में किया पूरा। 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन गोला फेंक में 19.96 मीटर गोला फेंककर आशुतोष दुबे ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। प्रतियोगिता के संयोजक जफर अहमद खान ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सराफा मंजिल के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बर्डघाट स्थित रामलीला मैदान में संपन्न हुआ, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य ने दीप प्रज्वलित कर तथा श्री राम के चित्र पर पुष्प अर्पित करके शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ किया तथा सभी नई कार्यकारिणियों को शपथ दिलाया। नए सराफा मंडल कार्यकारिणी में गणेश वर्मा अध्यक्ष, संतोष वर्मा उपाध्यक्ष, संजय वर्मा महामंत्री, हरिद्वार वर्मा मंत्री, वीरेंद्र बनवाल मंत्री, गोपाल वर्मा मीडिया प्रभारी ने शपथ लिया तथा सभी प्रतिनिधियों ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सराफा मंडल के नव निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यापारी संगठन अपने व्यापारी संगठन के हित के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी काम करता है। सराफा मंडल के सभी पदाधिकारियों का योगदान गोरखपुर के विकास में मुख्यमंत्री के साथ हमेशा रहा है तथा सराफा मंडल के सभी नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दिया। वहीं सराफा मंडल के नव निर्वाचित अध्यक्ष गणेश वर्मा ने बताया कि सराफा मंडल के सभी दायित्व का निर्वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हालसीगंज में पार्किंग की समस्या है, उसका निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, विधान परिषद सदस्य सीपी चंद्र, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सराफा मंडल के नव निर्वाचित अध्यक्ष गणेश वर्मा तथा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, मंच पर आसन जो माननीय पदाधिकारी गण हैं, स्वर्णकार कारीगर कल्याण सेवा समा महामंत्री श्री मनोज जी वर्मा मंत्री और श्री साई मिलकर के बड़ा एक सुंदर सा ये जो 16 श्रृंगार आते हैं, तो 16 श्रृंगार में आभूषण का जितना महत्व करते हैं, नक्काशी करते हैं, तो वो आभूषण का रूप लेता है। आप सबका स्वागत है। आप मंच पे विराजमान होइए और हमारे मंच की गर्व को प्रणाम कर रहे हैं। और ये संयोग पूरा हुआ, हमने आभूषण की बात कर रहे थे कि एक ये उनकी ऊर्जा है और ये उनका स्नेह है, उनका प्रेम। श्री बिंदेश्वरी जायसवाल जी जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, जो पूर्व चेयरमैन भरत, आपसे निवेदन है कि मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। शुभ
अपनी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के निर्वहन करूंगा सराफा मंडल गोरखपुर द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के प्रति सच्ची निष्ठा व श्रद्धा रखूंगा और संगठन की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। बहुत बहुत जो कि सराफा मंडल गोरखपुर में अपना पद लेंगे पद पर निर्वाचित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ पद पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से बिना किसी भेदभाव व पक्षपात के निर्वहन करूँगा सराफा मंडल गोरखपुर द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था के प्रति सच्ची निष्ठा व श्रद्धा रखूंगा और संगठन की अखंडता और प्रभुता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहूंगा। एगा नहीं गणेश वर्मा अध्यक्ष सराफा मंडल ऊपर बहुत दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करना है, जिसमें जैसे कि पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ करना और भी कई चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को कराना रहेगा। मूल हमारी समस्या पार्किंग है, जो जीडीए द्वारा भी कुछ अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जो नए नए कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उसमें भी सब अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कमेटी के लिए जो सर्वण विकास के लिए जो भी हमारे विधि व्यवस्था में जितने भी उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूर्ति करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। हाँ, सराफा मंडल गोरखपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह है। निश्चित रूप से कोई भी व्यापारिक संगठन से जिसका गठन होता है वो अपने व्यापारिक संगठन के हित के साथ साथ समाज और राष्ट्र के लिए भी काम करता है। सराफा मंडल गोरखपुर के सभी पदाधिकारियों का योगदान गोरखपुर के विकास में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमेशा रहा है और आज उसी शपथ ग्रहण समारोह में हमारे गोरखपुर के माननीय जनप्रतिनिधि, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक, गोरखपुर सहजनवा के विधायक, सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज हम लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामना देने के लिए इसका समारोह में उपस्थित हुए हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में ऑपरेशन ट्रिनेत्र के तहत जनपद के बीट पुलिस अधिकारियों का पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद को सुरक्षित शहर बनाने के लिए पूरे जनपद भर में ऑपरेशन ट्रिनेत्र का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको देखते हुए शहरी क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर और ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न चौराहों पर सम्मानित नागरिकों द्वारा पहले फेज में कैमरा लगाया गया,
जिसके बाद दूसरे चरण में हर घर कैमरे का अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह अभियान बहुत अच्छी तरह चल रहा है। बीट पुलिस अधिकारी द्वारा वहां के सम्मानित नागरिकों से ऑपरेशन त्रिनेत्र के बारे में लगातार बात की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को और बीट पुलिस अधिकारियों को पता होना चाहिए कि वह किस कंपनी का कैमरा लगवाना चाहते हैं, उसका रेट क्या है और कहाँ पर मिलेगा, वह कैमरा किस तरह से कार्य करेगा। इन सभी बातों की जानकारी कैमरा के वेंडरों द्वारा बीट पुलिस अधिकारियों को दी गई और सभी बीपीओ की ट्रेनिंग की गई है। पूरा प्रयास है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान जिस तरह से चल रहा है, इस कार्यशाला के बाद और सफलता हासिल करेगा। यह पूरे प्रदेश में एक नया मिसाल बनकर उभरेगा, जिसके लिए सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, सारे मॉडल्स हैं ये तो ये भी आपके साथ है, ये सोचा क्या है 900 पूरा सिस्टम वगैरह आपके लिए आप बॉडी कैमरा है, ये बॉडी वॉन कैमरा है, आप भी ले सकते हो, इतनी बड़ी पिज है तो प्राइवेट है, सप्लाई है और बहुत काम का रिकॉर्डिंग का रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, इसका मतलब आता है ये आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत साफ क्लीन है, कितना हो रात में हो, रात में तो पूरा दे रहा है लाइट, ये लाइट जलती है सब आगे के दरवाजा और ऐसे ऐसे चला रहा हूँ, इधर से चला रहा हूँ,
अब मुझे इनको फिर रोकना है, मैंने यही देर दबा दिया, अपना रुक लेकिन अगर अभी बता रहे हैं कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, जब बताएंगे 2500 रुपए में कैमरा लग सकता है तो होगा, हम दोगुनी चौगुनी मेहनत से हम काम करेंगे। सीसीटीवी कैमरास की कंपनी से संबंधित जो वेंडर्स हैं, विभिन्न थानों से आए हुए सभी बीपीओस हमारे ऑपरेशन त्रिनेत्र में डे वन से हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आप लोग उपस्थित सभी मीडिया कर्मी, मीडिया बंधु और बाकी ये जो अभियान है उसके तहत आज जो ये एग्जीबिशन लगाई गई है, आज जो ये वेंडर्स द्वारा अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं, ये विशेष रूप से इसी के लिए है कि जनपद गोरखपुर में कोई भी व्यक्ति अपने घर के बाहर, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान के बाहर, चौराहे पर या जहां पर भी उसको उचित लगता है कैमरा लगाने का इच्छुक है, कैमरा लगा करके अपना और अपने की सुरक्षा करने का और इस पूरे जनपद को सुरक्षित बनाने का भाव यदि उसके मन में है तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अपनी क्षमता के अनुसार, अपने बजट के अनुसार और अपनी चॉइस के अनुसार वो किस प्रकार का कैमरा लगा सकता है, उसी की अवेयरनेस के लिए जो हमारे बीपीओज हैं आज उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर की गई है, उनके उनके द्वारा जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन प्राप्त की गई है, मुझे पूरी आशा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर जब वो जनता के संपर्क में आ रहे हैं, हर घर कैमरे का जो सेकंड फेज ऑपरेशन देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि जनपद गोरखपुर को एक सेफ डिस्ट्रिक्ट और सेफ सिटी बनाने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र के नाम से पूरे जनपद भर में सीसीटीवी कैमरास लगाने का जो अभियान विगत कुछ महीनों में जनपद गोरखपुर में चल रहा है, उसी के तहत शहरी क्षेत्रों में विभिन्न चौराहों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न चौराहों पर फर्स्ट फेज में जनता के व्यक्तियों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार चौराहों पर कैमरे लगाए गए। इसके बाद जो उसका सेकंड फेज है, जो कि हर घर कैमरे का जो अभियान है, जो वर्तमान में शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, जनता के व्यक्ति जो हमारे बीपीओज के संपर्क में आते हैं उनका उत्साहवर्धन और उनके प्रोत्साहन हेतु बीपीओज लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनको विजिट कर रहे हैं। आज की इस कार्यशाला का और आज की इस एग्जीबिशन का मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि इस अभियान की बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ तकनीकी जानकारी और जो ऑप्शंस पब्लिक के पास अवेलेबल होने चाहिए कि वो किस कंपनी का कैमरा लगाना चाहते हैं, किस स्पेसिफिकेशन का कैमरा लगाना चाहते हैं, क्या उसका रेट है, कहाँ वो अवेलेबल है, किस तरह से उसकी वर्किंग है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज यहाँ पर उपस्थित विभिन्न सीसीटीवी कैमरास के जो वेंडर्स हैं उनके द्वारा हमारे बीपीओज को दी गई है, साथ ही साथ बीपीओज की ट्रेनिंग की गई है। मुझे पूरी आशा है कि ये जो ऑपरेशन त्रिनेत्र जो हमारा है, जिस तरह से एक बहुत सफल अभियान यहाँ ये चल रहा है और आज की इस कार्यशाला के बाद ये और सफलताओं को हासिल करेगा और ऊंचाइयों को छुएगा और ये पूरे प्रदेश में एक मिसाल बन करके उभरेगा, हम आने वाले दिनों में अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने सिटी को एक सेफ डिस्ट्रिक्ट और सेफ सिटी बनाने में हम लोग सफल होंगे। साथ ही साथ मैं इस पूरे अभियान में सहयोग करने वाले सभी हमारे जनता के व्यक्तियों को, हमारे बीपीओज को, हमारे मीडिया कर्मियों को, सर्विस प्रोवाइडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा ही सहयोग आपका आने वाले दिनों में भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। जिले में बेटियां अब मजबूत बने ताकि कोई मनचला उसके साथ ना तो छेड़खानी कर सके और ना ही उन्हें परेशान कर सके। स्कूल में ऐसा माहौल मिले कि कोई ऐसा करे तो उसे सबक भी सिखाया जा सके। अब बेटियों को सुरक्षा खुद बेटियां ही करेंगी। स्कूल में सुरक्षा और संरक्षण माहौल बनाएंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में एक बेटी को पावर एंजल के रूप में चुना जाएगा, जो पूरे क्लास के लड़कियों की समस्याओं को जानेंगी और उसका समाधान करेंगी, जिसके संबंध
में एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गृह विज्ञान की प्रवक्ता प्रज्ञा सिंह ने बताया कि जनपद के हर एक राजकीय स्कूल की क्लास 9वीं से 10वीं तक के क्लासेस के स्टूडेंट में से एक को पावर एंजल के रूप में चुना जाएगा। यह क्लास मॉनिटर से अलग होगी। पावर एंजल हर स्टूडेंट से निरंतर संपर्क रखेगी। किसी प्रकार के दुराचार और दुर्व्यवहार के प्रति सतर्क रहने के लिए स्टूडेंट को जागरूक किया जाएगा। कोई भी परेशानी होने पर पावर एंजल को जानकारी देंगी। परेशानी गंभीर हुई तो इसकी जानकारी क्लास टीचर को देंगे। समस्या के समाधान को प्रिंसिपल के सहयोग से आगे उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गृह विज्ञान की प्रवक्ता प्रज्ञा सिंह ने कहा। प्रज्ञा सिंह, प्रवक्ता होम साइंस। सर, पावर एंजल एक स्कीम चलाई गई है जिसके तहत कुछ बच्चों को चयनित किया गया है और उनको पावर एंजल का नाम दिया गया है। ये कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक में लागू हुई है। इसमें बच्चों क्लास के कुछ बच्चों को चयनित करके उन्हें पावर एंजल, जिससे कि वो बच्चे अपने क्लास के अन्य बच्चों पर नज़र रखें, थोड़ा ध्यान दें कि क्या उनके किसी सहपाठी में कोई ऐसा उनको लग रहा है कि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है या वो कुछ परेशान लग रही है, तो उनसे आगे वो बातचीत कर कर उनकी परेशानी या उनके जो भी समस्या है उसको जानने का प्रयास करें और फिर उसको आगे अपनी टीचर्स को या सूचित करें। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि बच्चे परेशान होते हैं तो अपने परिवार में या अपने टीचर्स से बताने में थोड़ा संकोच महसूस करते हैं, लेकिन सहपाठी और सहेलियों से वो अपनी बातें आसानी से कह लेते हैं। तो कोई बच्चा किसी भी परेशानी के तहत पीछे ना रह जाए, उनकी कोई भी मानसिक समस्या ऐसी ना हावी हो कि उनकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर दे, इस सोच को रखते हुए इस स्कीम को चलाया गया है जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। किससे करेंगे बच्चे जैसे अगर पहले समस्या किस प्रकार की है इस पर डिपेंड करेगा। पहले तो बच्चे अगर कोई ऐसी समस्या है कि घरेलू है या कुछ है तो वो अपनी क्लास टीचर्स को बताएंगे। क्लास टीचर उस पर विचार कर कर देख लेगी कि समस्या किस लेवल से सुलझ सकती है, उसके हिसाब से ही जो है उसको आगे हम प्रधानाचार्य या जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, इसमें एसपीसीटी जिन्हें भी हमें जो है आश्वासन दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर वो भी पूर्णतः मदद करेंगे। हमारे क्लास में जो है 9 से लेकर 12 तक के बच्चों को चयनित किया गया है। हर क्लास के एक बच्चे को चयनित किया गया है, तो लगभग 28 से 30 बच्चे इसके अंतर्गत चयनित हुए हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन व मातृ शिशु कल्याण महिला संघ द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल के सीएमओ कार्यालय पर एक दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राकेश पाठक ने बताया कि 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएमओ कार्यालय पर सामूहिक उपवास का कार्यक्रम रखा गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की कई मांगे हैं जो पिछले कई सालों से लंबित हैं, लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगाया गया लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने कहा कि इस उपवास के बाद अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 16 जनवरी को लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का घेराव कर आमरण अनशन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राकेश पाठक एवं मातृ शिशु कल्याण महिला संघ की प्रांतीय अध्यक्ष मीरा पासवान ने कहा। राकेश पाठक, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन, जिला शाखा गोरखपुर। ये हम लोग का एक दिन का सामूहिक उपवास कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन एवं मातृ शिशु एवं कल्याण महिला संघ का संयुक्त उपवास का कार्यक्रम है। हमारी कुछ मांगे हैं जो पिछले कई सालों से लंबित हैं, कुछ समस्याएँ हैं वो भी लंबित हैं और हम लोग लगातार शासन प्रशासन से इसी गुहार लगाते रहे हैं लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं किया गया है। उसी क्रम में हमारा ये तीन स्टेप का कार्यक्रम रखा गया था। एक हमने विगत 21/11/2022 को सीएमओ को ज्ञापन दिया था और ये 12/12/2022 को आज हमारा एक दिन का पूरा सामूहिक उपवास का कार्यक्रम है। दोनों हमारे संघों का संयुक्त कार्यक्रम है और अगर अभी भी हमारी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 16/1/2023 को हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री उप मुख्यमंत्री पाठक जी का जो है घेराव करेंगे वहाँ और उनके यहाँ हम लोग आमरण अनशन करेंगे।
क्या मांगे? मांगे में हमारी मेन रूप से एक वेतन विसंगति का मुद्दा है, जिसमें एक ही पद पे दो वेतनमान दिए जा रहे हैं। 30 नवंबर 2011 के पहले जो लोग नियुक्त हैं उनको अलग वेतनमान दिया जा रहा है, और उसके बाद जो लोग नियुक्त हैं उनको अलग वेतनमान दिया जा रहा है। ये सबसे प्रमुख मुद्दा है। प्लस महिलाओं और पुरुषों के प्रमोशन का मुद्दा है। महिलाओं का प्रमोशन बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, नहीं हो पा रहा है। प्लस हमारा एक जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है। प्लस हमें मोटरसाइकिल भत्ते का मुद्दा हमारा है। इसी तरह से और बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा नाम मीरा पासवान है, मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं स्वास्थ्य विभाग से एनएम के पद पर हूँ, बीएडब्ल्यू मिल संघ की फीमेल की। मैं अपने साफ सुथरी मांगों पर यहाँ पर धरने पर बैठी हूँ। इसके पहले हम लोग 21 नवंबर को ज्ञापन में दे चुके हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग 12 दिसंबर को एक दिन का उपवास व्रत रहेंगे, योगी जी के फोटो को रखते हुए। दूसरी बात है, अगर इसमें नहीं, हमारी आज भी मांग नहीं सुनी गई और शासन प्रशासन में हमारी बातों को समझा नहीं गया, तो हम लोग फिर 16 जनवरी 2023 में अपना इसी तरह से उपवास व्रत उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के आवास पर किया जाएगा। शाहरुख खान ने 1500 मीटर दौड़ में नया कीर्तिमान बनाया। 66वीं प्रदेश एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के शाहरुख ने 1500 मीटर दौड़ मात्र 4 मिनट में पूरा करके यह कीर्तिमान बनाया। इसके पहले यह कीर्तिमान बनारस के राहुल देव के नाम था, तो वही गोला फेंक में बालक अंडर 17 वर्ग में वाराणसी के आशुतोष दुबे ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। 19.96 मीटर गोला फेंक कर बनारस के रुद्र नारायण का रिकॉर्ड तोड़ा, तो वही गोला फेंक के अंडर 19 वर्ग में प्रथम स्थान अयोध्या के देवेंद्र कुमार को मिला, तो दूसरे स्थान पर सहारनपुर के अनुज कुमार, तीसरे स्थान पर अलीगढ़ के मनसुख रहे। 800 मीटर बालक वर्ग अंडर 17 में प्रथम स्थान स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के घनश्याम सिंह का रहा, तो वहीं दूसरे स्थान पर बनारस मंजल के सतीश कुमार और तीसरे स्थान पर स्पोर्ट्स कॉलेज के शुभम यादव रहे। 1500 मीटर बालक अंडर 19 वर्ग में मेरठ के दुष्यंत कुमार प्रथम स्थान पर रहे, दूसरे स्थान पर स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ के गौरव यादव, तीसरे स्थान पर स्पोर्ट्स कॉलेज के विवेक कुमार रहे। इस अवसर पर MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जफर अहमद खान, प्रधानाचार्य अरबी सिंह, प्रधानाचार्य और संचालन समिति के सदस्य रविन्द्र त्रिपाठी, प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ला जी, लेडी प्रशासन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी, प्रेम नारायण सिंह, विवेकानंद मिश्रा, रामचंद्र यादव, कृष्णकांत यादव, अविनीश राय, चयनकर्ता विनय रस्तोगी, अरुण कुमार, दौलत बाबू, चंदन मौर्य, मनोज यादव, रामजन्म, अजय रजक, दानिश मोहसिन आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रेम नारायण सिंह एवं MSI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य व 66वीं प्रदेश एथलेटिक्स प्रतियोगिता के संयोजक जफर अहमद खान ने कहा। ये क्वालिफाई
भाई नहीं भाई टिकू नहीं है जो करी भाई रामचंद्र यादव जी आप जो भी लड़के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं उनकी सूची तैयार कर दीजिए। मैं प्रेम नारायण शारीरिक शिक्षक कॉलेज गोरखपुर के जो छाछठवीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता संपन्न कराई जा रही है उसमें कल चूंकि देर हो गया था, देर होने के नाते 800 मीटर दौड़ एक संपन्न कराया गया था वरिष्ठ बालकों का। शेष जो जूनियर बालिका, सीनियर बालक और सॉरी वो सब जूनियर बालक बालिकाओं का और वरिष्ठ बालकों का पहले हो चुका था, कनिष्ठ बालक और बालिकाओं का 800 मीटर का दौड़ सुबह जो है 8 बजे प्रारंभ कर दिया गया था। उसके संपन्न होने के तत्काल बाद हम लोगों ने 100 मीटर हीट्स जो कल के ही इवेंट थे उसको 100 मीटर हीट्स कराया गया और उसके बाद अन्य जो गेम बचे हुए थे जैसे हमारे लॉन्ग जंप, शॉट पट थ्रो, वो कार्यक्रम चल रहा है। शॉट पट थ्रो संपन्न हो चुका है, अभी इस समय हैमर थ्रो चल रहा है, लॉन्ग जंप चल रहा है और सेमीफाइनल 100 मीटर का सेमीफाइनल भी संपन्न हो चुका है। देर शाम तक और जो भी खेल आज के हैं और कल के जो भी खेल हैं वो सारे खेल आज संपन्न करा दिए जाएंगे। मैं जफर अहमद खान आयोजक सचिव प्रधानाचार्य मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज आज 66वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2022 का दूसरा दिन है और आज से सभी प्रतियोगिताएं अपने नियत समय से प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रातःकालीन सत्र में 100 मीटर रेस तीनों ग्रुप्स की बालक और बालिका दोनों और इसके अलावा 1500 मीटर जो जिस ग्रुप में होना था वो दोनों बालक और बालिका का समाप्त हो चुका है। इसके अलावा जो है वो सुबह में ही डिस्कस थ्रो, शॉट पुट थ्रो और साथ में जो है इस वक्त हैमर थ्रो की का कॉम्पिटिशन चल रहा है। इसके अलावा जो है वो दूसरी तरफ स्टेडियम में जो है वो लॉन्ग जंप की भी प्रतियोगिता संपादित की जा रही है। जितनी भी प्रतियोगिताएं आज संपन्न होनी है निश्चित रूप से वो 5 बजे शाम तक जो है वो आज की होने वाली तमाम प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जाएंगी। इसके बाद जो है वो कल प्रातः 8 बजे से जो है वो तीसरे दिन की प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने का कार्य किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। व्यक्तियों को बहकावे में लेकर एवं उन्हें डरा धमकाकर उनके जमीन की चौहद्दी बदलकर फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार कर जमीन खरीद फरोख्त करने वाले 4 अपराधी शमसाद आलम उर्फ छोटे कमरे आलम उर्फ झिन्नू शमसुद्दीन उर्फ बद्रे आलम उर्फ बल्लू के ऊपर तिवारीपुर थाने के पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। SPCD ने दी जानकारी। गोरखपुर सहित प्रदेश भर में चल रही GST के छापेमारी पर प्रदेश सरकार ने 72 घंटे के लिए लगाया रोक। दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष और व्यापारियों ने सरकार को दिया धन्यवाद, कहा 72 घंटे का समय मिलने से व्यापारी कागज को कर लेंगे सही। दिल्ली से शादी समारोह में सम्मिलित होने आए आवेदिका के गायब हुए ट्रॉली बैग व उसमें रखा गहना व कपड़े को गोरखनाथ पुलिस द्वारा ऑपरेशन ट्रिनेट की मदद से सकुशल किया गया बरामद। SPCT की मौजूदगी में आवेदिका के परिजनों को बैग को किया गया सुपुर्द। परिजनों ने गोरखपुर पुलिस को दिया धन्यवाद। नागरिक सुरक्षा कोर के 60वें स्थापना दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम का रूट मार्च एवं वार्डन सम्मान समारोह के साथ हुआ समापन। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा के वार्डनों का रहा है प्रशंसनीय योगदान, ऐसे वॉलंटरी फोर्स की प्रशासन को रहती है नितांत आवश्यकता। सराफा मंडल के नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सकुशल हुआ संपन्न। गणेश वर्मा अध्यक्ष, संतोष वर्मा उपाध्यक्ष, संजय वर्मा महामंत्री, हरिद्वार वर्मा मंत्री, वीरेंद्र बर्नवाल मंत्री, गोपाल वर्मा मीडिया प्रभारी सहित नव निर्वाचित पदाधिकारियों ने ली शपथ। सराफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने कहा संगठन के सभी दायित्वों का किया जाएगा निर्वहन।
ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर की अध्यक्षता में जनपद के बीपीओ की कार्यशाला का किया गया आयोजन। सीसीटीवी कैमरों के रेट की दी गई विस्तृत जानकारी। एसएसपी ने कहा, इस कार्यशाला के बाद पूरा जनपद सीसीटीवी कैमरा से होगा लैस, अपराध पर लगेगा पूरी तरह से विराम। खुद बेटियां ही करेंगी अब बेटियों की सुरक्षा। राजकीय इंटर कॉलेजों में हर क्लास की एक बेटी को चुना जाएगा पावर रेंजर। पूरे क्लास की लड़कियों की समस्याओं को जानकर करवाएंगी उनका समाधान। एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज के गृह विज्ञान की प्रवक्ता प्रज्ञा सिंह ने दी जानकारी। सात सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक हेल्थ वर्कर्स एसोसिएशन व मातृ शिशु कल्याण महिला संघ ने सीएमओ कार्यालय के समक्ष किया एक दिवसीय सामूहिक उपवास। कहा, मांगे ना माने जाने पर आगामी 16 जनवरी को लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री का करेंगे घेराव। और शाहरुख खान ने बनाया नया कीर्तिमान। 1500 मीटर दौड़ को मात्र 4 मिनट में किया पूरा। 66वीं प्रदेशीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन गोला फेंक में 19.96 मीटर गोला फेंककर आशुतोष दुबे ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। प्रतियोगिता के संयोजक जफर अहमद खान ने दी जानकारी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।